एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के आनंद विहार इलाके से, जहां पर बिहार से आ रही ट्रेन से 41 नाबालिग बच्चों को छुड़वाया गया है। बड़ी संख्या में इन बच्चों को छुड़वाया गया है। ये खबर मिली थी कि 41 नाबालिग बच्चों को बिहार से यहां पर लाया जा रहा है। आनंद विहार स्टेशन पर ये बच्चे छुड़वाए गए हैं, सीमांचल एक्सप्रेस से छुड़वाए गए हैं ये नाबालिग बच्चे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से इन बच्चों को छुड़वाया गया है। बिहार से आ रही ट्रेन पूर्वांचल एक्सप्रेस से ये आ रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मामला नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सीमांचल एक्सप्रेस है जिससे ये बच्चे आए थे और आनंद विहार स्टेशन पर इन्हें छुड़वाया गया। अहमद अजीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जी अहमद, नवजोत देखिए, रात में करीब 12 बजे ट्रेन पहुंची थी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, और सीमांचल एक्सप्रेस है ये नेपाल और बिहार बॉर्डर पे स्टेशन है, वहां से ये चलती है। जब ये दिल्ली पहुंची उससे पहले ही इंफॉर्मेशन थी बचपन बचाओ आंदोलन को कि इस गाड़ी में काफी बच्चों को ट्रैफिक करके लाया जा रहा है। वहीं से बचपन बचाओ आंदोलन के जो लोग थे वो उसमें सवार थे और वो नजर रख रहे थे। बीच में कटिहार में 10 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, उसके बाद बाकी और बच्चों की भी इंफॉर्मेशन थी लेकिन वो बच्चे नहीं मिल रहे थे। दिल्ली जब पहुंची आनंद विहार तो यहाँ पर जो है 41 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और उसके अलावा 21 ट्रैफिकर्स को भी डिटेन किया पुलिस ने। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था दिल्ली पुलिस का और बचपन बचाओ आंदोलन का। कई घंटों तक जो है पूरी कार्रवाई चली है रात में और सुबह जाके जो है इसमें जो है FIR दर्ज की जा रही है और जो 21 लोग डिटेन किए गए हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं इनको अब जो बाल कल्याण समिति होती है यानी कि जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड जो होता है उसके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको कहीं किसी होम में रखा जाएगा या उसके बाद उनका जो नेटिव प्लेसेस है वहां पे उनको भेजा जाएगा। जी जी अहमद, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो लोग इन्हें बच्चों को वहां से ला रहे थे इन बच्चों को, क्या उन तक पुलिस पहुंच पाई है या नहीं, उनके बारे में क्या खबर है, कौन है वो लोग? देखिए इसमें पुलिस ने खुद 21 लोगों को डिटेन किया है और अब उनको अरेस्ट भी करेगी पुलिस। ये पूरा एक ट्रैफिकर्स का गैंग है जो देखिए जो झारखंड है बिहार है या नेपाल की जो सटी हुई सीमा के इलाके हैं बिहार और बिहार के उसके अलावा इस उड़ीसा के ये वो पॉकेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है और उन बच्चों को दिल्ली लाया जाता है या और दूसरी जगहों को बड़े शहरों में ले जाया जाता है। उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है, उनको जरी के कारखानों में या और दूसरे जो इस तरीके के तमाम काम होते हैं जिनमें छोटे बच्चों की जरूरत ज्यादा होती है उस तरह के कामों में इन बच्चों को लगाया जाता है। तो ये गैंग्स होते हैं ट्रैफिकर्स के जो बाकायदा इन स्टेट से बच्चों को लेकर आते हैं। तो इस मामले में भी जो है बड़ी कामयाबी की बात ये रही पुलिस के लिए कि जो ट्रैफिकर्स हैं 21 उनको भी डिटेन किया है पुलिस ने। जी जी अहमद, आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले की भी ये खबर है जब हमने ये खबर दिखाई थी कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके जहां पर पुरानी फैक्ट्रियां जहां से बच्चों को छुड़वाया गया, तब भी बचपन बचाओ आंदोलन की ही NGO की ये मुहिम थी, वहां से बच्चों को छुड़वाया गया था। क्या हम इसको उससे कहीं ना कहीं जोड़कर देखें कि इन्फॉर्मेशन वहां से मिली या फिर क्या खबर है इस सिलसिले में? देखिए इसमें इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग जगह से अलग, क्योंकि ये जो एजेंसीज हैं चाहे वो बचपन बचाओ आंदोलन या इस तरह के और दूसरे जो NGO हैं जो काम कर रहे हैं बाल कल्याण के लिए बच्चों के वेलफेयर के लिए, इनके अपने जो है इन्फॉर्मर्स होते हैं, इनके तमाम और लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन इनको देते हैं, उसी के आधार पे ये लोग कार्रवाई करते हैं इनके। और इस मामले का पिछले मामले से जो है कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो जो इन्फॉर्मर्स होते हैं इनके वो अलग अलग जगहों पे अलग जहां जहां से ट्रैफिकिंग हो रही होती है वो इनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उन्हीं के आधार पे ये लोग कार्रवाई करते हैं पुलिस की मदद लेकर। जी शुक्रिया अहमद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 21 लोगों को डिटेन किया गया, 41 बच्चों को यहां से छुड़वाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अहमद असीम हमारे संवाददाता जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे। एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम का इस्तेमाल